हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। तो आज के इस DIY में हम खाली पड़ी केचप की बोतल का रीयूज कर एक डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे, जिसे हम एज अ प्लांटर या फिर एज अ रूम डेकोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर केचप की खाली बोतल और वॉल पुट्टी डो का यूज़ कर रहे हैं। वॉल पुट्टी डो बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम एक हार्ड सरफेस पर थोड़ा सा पाउडर डस्ट करेंगे और रोलर की हेल्प से एक शीट प्रिपेयर कर लेंगे। अब ग्लास बॉटल पर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर उस शीट को उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। फिंगर्स को थोड़ा सा गीला कर हम शीट को स्मूथ करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। इसे वुडन इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिक का यूज किया है। ब्रांचेस बनाने के लिए हम यहाँ पर सिल्वर फॉइल का यूज़ कर रहे हैं। सिल्वर फॉइल को फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से हम ब्रांच का एक शेप बना लेंगे और उसके ऊपर वॉल पुट्टी डो को स्टिक करते जाएंगे। ब्रांचेस को बॉटल के ऊपर स्टिक करने के लिए थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और वॉल पुट्टी डो की हेल्प से हम इस ब्रांच को स्टिक कर देंगे। बर्ड नेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर सिल्वर फॉइल से एक टोकरी का शेप बना लेंगे और फिर उसके ऊपर वॉल पुट्टी डो को स्टिक कर देंगे, कुछ इस तरह से।
इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए सूखने दें। इसके बाद इसे हम पेंट करेंगे। इसे पेंट करने के लिए हम यहाँ पर ब्राउन एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहे हैं। ब्राउन कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर हम एक लाइट ब्राउन कलर बना लेंगे। ब्रश की हेल्प से हल्के हाथों से पेंट करते हुए हम इसे एक वुडन इफेक्ट देंगे। इससे हमारी बॉटल का वुडन टेक्सचर और इन्हेंस हो जाएगा। इसे डेकोरेट करने के लिए हम आर्टिफिशियल बर्ड्स और पत्ती शेप की लेस का यूज़ करेंगे। बर्ड नेस्ट को थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर सूखी घास को भी इस नेस्ट के ऊपर स्टिक कर दिया है। इससे इस बर्ड नेस्ट का लुक और इन्हेंस हो गया है। ये बॉटल आर्ट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये DIY आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।